जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इसके इस्तेमाल क्या है और पाकिस्तान में कैल्शियम कार्बोनेट कहां कहां पे पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फार्मूला है CaCO3। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और नॉर्मली ये लाइमस्टोन, मार्बल, कैल्साइट और चाक में पाया जाता है। पाकिस्तान में इसके बेतहाशे रिजर्व्स हैं, अनकाउंटेबल रिजर्व्स हैं, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान एंड सिंध, AJK, ऑलमोस्ट इन एवरी प्रोविंस देर आर लास्ट वास्ट रिजर्व्स ऑफ लाइमस्टोन, या दूसरे लफ्जों में कैल्शियम कार्बोनेट के बेतहाशे रिजर्व्स हैं। अब नॉर्मली जो कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जो मार्बल की वेस्ट होती है उसका जो स्क्रैप या कंडा जिसको कहते हैं उसको ग्राइंड कर लें तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। उसका मुख्तलिफ साइज़ का मैश आप तैयार कर लेते हैं और फिर उसको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है CaCO3। इसका कलर अपीयरेंस नॉर्मली वाइट होती है, इसकी कोई बू नहीं होती, ऑडरलेस है। और इसके जो इस्तेमाल हैं सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यानी सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद उसका जो दूसरा बड़ा इस्तेमाल है वो लाइमस्टोन एग्रीगेट के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे घरों में हम छतें डालते हैं तो वो लाइमस्टोन के एग्रीगेट के तौर पर, जिसको क्रश भी कहते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ लाइम, उससे चूना बनता है। अगर आप इसी लाइमस्टोन को जला लेते हैं, कैल्साइन कर लेते हैं, बर्न कर लेते हैं तो वो चूना बन जाता है। एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, सॉइल ट्रीटमेंट में ये इस्तेमाल होता है, एनिमल फीड में इस्तेमाल होता है, पेपर इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है एज ए फिलर के तौर पर, पिगमेंट में यानी कि कलर्स बनाने के लिए पेंट इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है एज ए फिलर के तौर पर। इसके अलावा प्लास्टिक, पेपर, रबड़, PVC पाइप्स, इनमें इस्तेमाल होता है। वाटर ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, pH एडजस्टमेंट होती है उसकी। इन्वायरमेंट के लिए इसको फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। बहुत सारी मिनरल्स की उसके प्रोसेसिंग में यानी कि अपग्रेडेशन में इस्तेमाल होता है। जब फ्लॉथ फ्लोटेशन कर रहे होते हैं आप कॉपर की या मुख्तलिफ मिनरल्स की, तो उसमें लाइम इस्तेमाल होता है, लाइमस्टोन इस्तेमाल किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, मेडिसिन में इसका इस्तेमाल है, हेल्थ एंड ब्यूटी में इसका इस्तेमाल है, टूथपेस्ट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ ये सिरेमिक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है, यानी कि अनबिलीवेबल इसके यूजेस हैं। और ये जो नॉर्मल जो वेस्ट है, जो मार्बल आप ब्लॉक बनाते वक्त उसकी जो वेस्ट छोटे पत्थर बच जाते हैं, ये आप ज़ेर नज़र तस्वीर में देख भी सकते हैं, तो आप उसको ग्राइंड कर ले मुख्तलिफ साइज़ में, मैश साइज़ में, और उसको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं।